आफ्टर मार्केट से हमने ये खरीदा है वेगा का बोल्ट हेलमेट। ये देखो पीछे येलो टैक्सी, ये हमने वेगा का बोल्ट मैट ब्लैक हेलमेट ले लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सुबह सुबह हम घर से निकल चुके हैं, बहुत ही सिंपल सा एक काम था, छोटा सा एक हेलमेट हमें खरीदना है। मेरे पास जो हेलमेट है वो रॉयल इनफील्ड वाला है ना, तो वो हाफ है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होने से मेरा फेस गया था, एक बार दांत भी टूट गया था। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि नया फुल हेलमेट लेने का, नया जो अपने बुलेट के साथ मैच करें। इसके बाद कहीं छोटे से ट्रिप पे जाते हैं। अभी घर से निकल गया सुबह के, अभी 11 बज रहा है, हेलमेट खरीदना। और एक छोटा सा काम है कि हमारा कोई रिलेटिव आ रहा है आसनसोल स्टेशन, तो उनको भी रिसीव करना। आपको एक छोटा सा आसनसोल का टूर भी कराते हैं, आसनसोल स्टेशन का एक छोटा सा आपको टूर भी कराते हैं। अभी हम आगे पेट्रोल पम्प पेट्रोल फिल करवाते हैं, पेट्रोल फिल करवा के निकलते हैं यहाँ से। पेट्रोल फिलअप हो गया, अब यहाँ से भी निकलते हैं। यहाँ से मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा हम स्टेशन पहुँचने को। ट्रेन आ जाएगा, हमको लग रहा है लेट कर दिए हम, सो के लेट उठे। वर्क फ्रॉम होम वाले को आप बस वाईफाई दे दो और उनका लैपटॉप उनके पास रहे, उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए। आप कहीं भी कहीं लेकर कभी भी चले जाओ, वो रेडी है जाने को। इससे हमारा ही फ़ायदा होता है, इनका भी फ़ायदा होता है। चलो अकेले जाते तो बहुत बोर हो जाते, इसीलिए ले लिया भाई को। ये बस वीकेंड को ही अपना लैपटॉप अपने से दूर करते हैं, वरना तो सुबह शाम दिन रात लैपटॉप पास में ही रहता है। वेलकम टू आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड, बहुत ही फेमस डायलॉग है यहाँ का। आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड का मतलब ये भाईचारा, जो कि यहाँ के लोगों में बहुत ही भरा है भाईचारा, और बहुत ही खूबसूरत है अपना आसनसोल। कंपेयर किया जाए तो दुर्गापुर से बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ, लेकिन अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको यहाँ वो उसका प्राइस सबसे सस्ता यहाँ मिलेगा। आसनसोल कोलकाता के बाद सबसे फेमस है हमारा ये आसनसोल, और यहाँ देखो कितनी खूबसूरत है। रोड के साइड में आपको बस पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, और यहाँ पर 3-4 मॉल हैं ही, जैसे सेंट्रम गैलेक्सी के 2 बड़े बड़े मॉल हो गए, एक रिलायंस है, 3 मॉल, और बाइक और कार के जितने भी शोरूम हैं आपको यहाँ सभी ब्रांड के मिल जाएंगे। आसनसोल में ऑलमोस्ट सभी ब्रांड है यहाँ पर। हमारी कार की शोरूम ये रही, हमने यहाँ से कार परचेस की थी। कोई भी बाइक आप मॉडिफाई करवाना चाहते हो ये देखो यहाँ स्टार्ट हो गया। बाइक और कार का सबसे ज़्यादा मॉडिफाई यहीं पर होता है आसनसोल में। अभी आपको आगे दिखाते हैं कार का कितना ज़्यादा होता है वहाँ। आप देखो कितना सारा कार लगा है लाइन से, सभी मॉडिफाई होने के लिए लगे। और शोरूम से निकलने के बाद पहली बार गाड़ी फोर व्हीलर में यहीं पे आती है, तो 50 से 1 लाख रुपए खर्चा करके ही जाती है। सब मॉडिफिकेशन ये ऑटो मार्केट, यहाँ देखो कितने बड़े बोर्ड लगाए हुए, इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे, ये आसनसोल ऑटो मार्केट। ये देखो नई नई गाड़ियाँ, पीछे आपने थार देखा इनोवा, एक से एक गाड़ी यहाँ पे लगी रहती है मॉडिफाई होने के लिए। एनी टाइम आप यहाँ पे आओ, इतना भीड़ मिलेगा, इतना मॉडिफाई करवाने का शौकीन है लोग यहाँ पे। हमने भी यहीं से मॉडिफाई, अपनी तीनों गाड़ी यहीं से मॉडिफाई करवाई थी, और महंगी महंगी गाड़ी भी यहाँ पे आती है। पीछे थार देखा, इनोवा देखा, फॉर्च्यूनर, ये सारी गाड़ियाँ भी यहाँ मॉडिफाई होती है। सबसे सस्ता आसनसोल ऑटो मार्केट, आप मैप में सर्च करो बस मिल जाएगा। आसनसोल एंट्री करते ही 5 मिनट अगर आप आगे आओगे तो वो मिल जाएगा। ये हमने सिग्नल को तोड़ दिया है, आधे रास्ते में आके रेड लाइट जल गया, फिर भी देखो हम बीच में जा रहे हैं। मुझे लगा वो सिग्नल नहीं देगा रेड, लेकिन दे दिया, देखो हमें पार हो जाने देता है एटलीस्ट। कोई नहीं, अच्छा हुआ फाइन नहीं हुआ हमारा, बच गया। और इधर रेलवे क्वार्टर, इसीलिए और ज़्यादा खूबसूरत, इतना हरा भरा मैंने अभी तक कोई शहर नहीं देखा, बहुत ही खूबसूरत है अपना आसनसोल। ये देखो पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेजों ने बनाया 100-200 साल पहले, उसके बाद भी देखो अभी तक एकदम सही है, और अभी भी इसमें आदमी रहते हैं पूरे। सारे गवर्नमेंट क्वार्टर है इसमें, गवर्नमेंट सारे गवर्नमेंट हैं, रेलवे क्वार्टर है यहाँ पे, और ये पूरा वेस्ट बंगाल में 2 नंबर पे आता है, इतना फेमस है आसनसोल। स्टेशन में आपका स्वागत है, पुराना बोर्ड था, ये एक नया बोर्ड है जो लेटेस्ट लगा हुआ है। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कैसा हमारा सेल्फी लिया जाएगा। ये देखो सामने कैसा फोटो खींच रहा है, 2-2 कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे, सीसीटीवी का, इसे पता चलेगा कौन एंटर किया अभी आसनसोल स्टेशन में, कब किसने एंटर किया था। ये देखो पीछे येलो टैक्सी, सबको लगता था कि बस येलो टैक्सी कोलकाता में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे आसनसोल में भी येलो टैक्सी भरी है। अब ओला उबर आ गया, इसीलिए अब येलो टैक्सी कम होते जा रही है, कोलकाता में तो बहुत ही कम हो गया, लेकिन यहाँ पे ओला उबर उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अभी भी येलो टैक्सी बहुत ही है।
ये देखो आसनसोल स्टेशन, हम जिनको लेने आए उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे बाहर ही। और सन 1885 में बना ये स्टेशन। ये देखो ये जो पीछे आपको ट्रेन दिख रही है, वो ट्रेन के अंदर ही रेस्टोरेंट बना दिया है यहाँ पे। हम जिनको लेने आने वाले थे वो आगे, इसीलिए उसमें नहीं जा रहे, नेक्स्ट टाइम फिर उसमें आके। आगे इंजन है और पीछे उसके डब्बे, उसमें रेस्टोरेंट बना दिया गया। सोचो कितना खूबसूरत लग रहा होगा। हम निकलते हैं यहाँ से, अब लेट हो रहा है हमारा। ये हमने वेगा का बोल्ट मैट ब्लैक हेलमेट ले लिया। हमारा बुलेट भी ब्लैक है ना, इसलिए ब्लैक ले लिया। वो जो वेनमस का था उसमें ब्लैक कलर उनके पास अवेलेबल नहीं था, नहीं तो वो भी वहीं ले लेते हम लोग। ये भी बढ़िया है हमारे बुलेट के लिए। नेक्स्ट हेलमेट जो होगा वो वेनमस वाला ब्लैक लेंगे। अभी अभी थोड़ा प्राइस कम है इसीलिए इससे काम चलाते हैं। थैंक यू विजिट आइए। घर में जाके हेलमेट का अनबॉक्सिंग करके आपको बताते हैं क्या कैसा हेलमेट है, क्या हेलमेट है, कितनी प्राइस पड़ी हमें। अभी हम घर पहुंच गए और मेरा हेलमेट जो है वो खोल के दिखाता हूं। और इतना सस्ता में इससे अच्छा हेलमेट नहीं मिलेगा, इसकी प्राइस थोड़ी देर बाद बताता हूं। पहले आप हेलमेट देख लो। ये हेलमेट है हमारा वेगा का बोल्ट हेलमेट, सिंगल सॉलिड कलर। हमने बनी नहीं लिया, बनी लेने से आपको स्टिकर आएगा। हम 100-150 रुपये इंच में ज़्यादा प्राइस है और उस पर आपको स्टिकर आएगा बस। अगर आपको स्टिकर चाहिए वो ले लो। मेरा सिंगल डल ब्लैक एल साइज का हेलमेट है और ये वेगा का बोल्ट हेलमेट है। ये 1982 से मेड इन इंडिया आपको यहाँ दिख रहा होगा, मेड इन इंडिया ब्रांड है, 1982 से चल रहा है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो आराम से। हाँ ये देखो हेलमेट, और वेगा का 2000 के अंदर बिकने वाला सबसे ज़्यादा हेलमेट ये है। क्या खूबसूरत ये देखो, इसका जो ये है ना टेल, इसके वजह से ये ज़्यादा बिकता है, बहुत ही खूबसूरत है। और हमारा बुलेट ब्लैक है इसलिए हमने ये लिया है सिंगल सॉलिड कलर। इसका वाइजर भी आप देख लो पूरा ब्लैक है, तो ये हमारे बुलेट पे पूरा मैच करेगा, इसलिए हमने ये लिया, हमने इसीलिए बनी नहीं लिया। और इसका प्राइस की बात करें हम तो बहुत ही सस्ता है ये प्राइस। इसका प्राइस है बस 1650 रुपये। सोचो इतना सस्ता है, 1650 रुपये में आपको क्या मिलेगा, इससे अच्छा हेलमेट 1650 में नहीं मिलेगा। हमने बस इसीलिए ये लिया क्योंकि इसके ऊपर हम जा रहे थे तो हमें सिंगल कलर का हेलमेट नहीं आ रहा था। हमारी स्टील ब्लैक बुलेट है, हमें सिंगल कलर ही चाहिए था, इसलिए हमने ये लिया है। ये हमारी बुलेट पर एकदम सूट करेगी। और इसके अदरवाइज इससे हम ज़्यादा महंगा पे जा रहे थे तो आपको मैंने वहाँ पे वेनमस का दिखाया था एक्सोल का, वो इससे महंगा है लेकिन वो ब्लू हो जा रहा है, ग्रीन हो जा रहा है। वो हमारे बुलेट पे सिंगल कलर बुलेट है और वाइटिंग से उस पर ब्रांडिंग है। और इस पर भी देखो सिंगल कलर ब्लैक है और वाइटिंग से बस इस पर ब्रांडिंग है, इसलिए हमें ये एक लुक में पसंद आ गया कि अपने बुलेट पर बहुत मैच करेगी। बहुत दिन से सोच रहा था हेलमेट लेने के लिए, ये हमने लिया फाइनली 1650 में, बहुत ही सस्ता है। अब इस पर एक GoPro बस माउंट करना है। हमारा ब्लॉगिंग से अभी तक ब्लॉग आ रहा था, अब इस पर एक मोटो ब्लॉगिंग आएगा। अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इस पर हम माउंट करेंगे GoPro। और मेरे पास रॉयल इनफील्ड का जो हाफ आता है हेलमेट जो शोरूम की तरफ से आपको मिलता है वो है, उसके बावजूद वो मेरा एकदम नया है। वो होने के बाद भी मैं एक नया हेलमेट क्यों खरीद रहा हूँ वो बताता हूँ। वो जो हेलमेट है वो हाफ है, जब आप चलाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, वो चलाने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम देगा और एकदम ही वो सेफ नहीं है। ये नहीं, अगर आपको हेलमेट लगा के एक्सीडेंट होने के बाद भी आपके जब फेस पे चोट पहुँचे तो फिर क्या फ़ायदा हेलमेट लगाने का, 50% पहुँच ही जाता है। हेलमेट लगाने के बाद भी दांत टूट गया मेरा, इसीलिए हमने ये हेलमेट लिया। ये हेलमेट पूरा सेफ रखेगा फेस को। हेलमेट आप लगाओ उसके बाद ही पूरा सेफ ना पहुंचाए तो फिर क्या फ़ायदा हेलमेट लगाने का, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। वो हमारा हेलमेट पूरा नया है, आफ्टर मार्केट से हमने ये ख़रीदा है, वेगा का बोल्ट हेलमेट। एक बनी आता है उस पर आप स्टिकर चाहोगे वो भी मिल जाएगा, बस उसका दाम है 1800 या 1700 के करीब और इसका दाम है 1650। बहुत ही सस्ता है, सस्ते में इस प्राइस में इससे अच्छा हेलमेट नहीं मिलेगा, 1650 रुपये बस। जिसने सब्सक्राइब किया उसको दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।